स्पेशली फ्रूट्स की दुकान लेना है। और थोड़े महंगे मिलते हैं, और थोड़े महंगे भी रहते हैं। हाँ पीस निकाल के दिखाओ ना। हाँ माशाल्लाह देख के ही पानी आ गया। तीन किलो आपके सामने हुआ, अच्छे देखिए ले। हम लोग ने ले लिए फ्रूट्स, ले लिए और खरबूजा ले लिए, खरबूजा भी ले लिए। अभी घर जाके दिखा दे, काट के तो देख लिए। यही फ्रूट्स है जो खा सकते, बाकी कुछ खा नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर ही मतलब सुनने में अच्छे फ्रूट मिलते, महंगे मिलते, लेकिन अच्छे मिलते। भाई रुक जा, पकड़ ये रहा, कैमरा पकड़ रहे। कलिंगड़ आगे टंगा ले, खरबूजा अंदर रखो। तो एक अंदर रख दे कलिंगड़, एक अंदर रख देंगे। एक कलिंगड़ चला जाएगा ना अंदर, रहने ना छोटा। अभी कहाँ आएगा? हैंडल हैवी हो जाएगा नहीं? हैंडल पे हो? आ जाओ भी। इसको जो जो भी बोलते। अभी किधर जाने? वो देख कौसा के साइड जाके देखते कुछ अफतारी। चलो आगे कंटिन्यू करते इस ब्लॉग को। अफतारी लेने निकले ऐसी समझ लो छोटा सा। आज हम लोग फ्रूट्स ले लिए, अब जा रहे कुछ हल्का फुल्का खाने। बढ़िया ये 20 रुपए का, 20 रुपए का ना ये 30 रुपए का, 30 रुपए का, ये दो दे देना। और ये भी दो दे देना। ये क्या चीज है? गुलाब खास। और क्या दूं तुम्हारे को? ये कैसा दें? Hello. ये चार दे दो। ये ब्रेड के ऊपर चिकन है ना, क्या है ये? बीट ब्रेड चिकन। अच्छा ये चार दे दो। क्या? उसके की चार दे दो। ओ प्लस वन का दो, टिफिन। टिफिन। ये रोल दो दे दो। और वो नूडल्स वाला? कितने का है? 40 रुपए का है। ठीक है वो तीन दे दो। वो तीन दे दो, तीन। वो चीज वाला वो क्या है, वो व्हाइट वाला? मलाई काटी। मलाई काटी दे देना ना वो भी। ली क्या पर तूने? ली क्या पर? नूडल्स वाला। अच्छा आखिरी में अब वापस कलिंगड़। मैं भूल गया था, मतलब कलिंग मतलब बाइक पार्क करके आऊँगा, कलिंगड़ गायब हो जाएंगे, इसके लिए मैं रुक गया उधर ही। पहले हम लोग घर पे आ गए हैं हमारी अफ्तारी का सामान लेके, और ये बच्चे देख रहे सब हमारे चाली के, मतलब ये गली क्या बोलते रहे, पैसेज के बच्चे, हमारे फ्लोर के बच्चे हमारे घर में ही आके खेलते हैं। फ्लोर के बच्चे। तो मैं आपको फ्रूट दिखाता हूँ जो हम लोग ने लाया। लाल है वैसे दिखाने के ऐसा तो चाहिए नहीं, पर वो ही है मुमरा में एक दुकान जहाँ पर है ना हमेशा मीठे ही कलिंगड़ या हर फ्रूट मीठे ही मिलते हैं उनके यहाँ पर। हाँ उनका माल एकदम अच्छा निकलता है।
कॉस्टली तो रहता है ये, 25 रुपए किलो मिला हमको, दो कलिंगड़ 220 रुपए में मिले। मैं सब भगदड़ में आपको बताना भूल गया, मेरी ईदी आई थी, फर्स्ट टाइम जो ईदी देते मतलब रिश्तेदार, जो शादी नहीं होती ना उसके पहले ईदी आती है, तो अच्छा शादी के बाद भी मिलती है, ये मेरी बहन का कहना है। तो वो शूट मैंने किया था उस टाइम पे, थोड़ी सी क्लिप है, हम लोग जब तक इफ्तारी की तैयारी करते आप लोग वो देख के आ जाओ। फ्रेंड्स मेरी ईदी आ गई है सूरत से, आपको मैं दिखा देता हूँ पैकेट के अंदर। कुर्ता पैजामा है, वाइट कलर का रुमाल है और मैचिंग ही टोपी है, और दूसरे पैकेट में भी शर्ट और जीन्स है और कुछ चॉकलेट्स है और बाकी का बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन अपने काम का अभी फ़िलहाल यही है। अभी मैं आप लोग को ना टोपी ट्राई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना टोपी ना प्रॉपरली मतलब बड़ी साइज़ की टोपी लगती है, क्योंकि मेरे बाल और मेरा सर बड़ा है या मेरे बाल एकदम कड़क है ना, तो टोपी इसमें टिकती नहीं है, काफ़ी देर तक पहनने के बाद निकल जाती है टोपी। तो अभी ये मैं टोपी ट्राई करके देख लेता हूँ, और ये टोपी माशाल्लाह मुझे एक नंबर आ गई है, और कुर्ता पजामा भी मैं इसके बाद ट्राई करूँगा, लेकिन वो तो भाई ईद के व्लॉग में आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं ईद के व्लॉग में ही दिखाऊँगा जो मैं कुर्ता पजामा पहनने वाला हूँ। और अभी मैं आपको आगे का, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये अतर है, ये भी माशाल्लाह बहुत, वाकई में इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, मैं वही बता रहा था यहाँ पर सबको कैसी खुशबू, वाकई में बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और मेरी सिस्टर बोल रही थी क्या टोपी अभी से पहन लिया है, सब अभी पहन के देख रहा है, तो मैं उसको भी बताता कि ट्राई कर रहा हूँ पहन के, क्योंकि मुझे आ रही है क्या नहीं, तो वो भी मेरी थोड़ी टांग खिंचाई कर रही थी। बस बच्चों के लिए दुआ करो और कुछ नहीं चाहिए। और सारे कपड़े मैंने ट्राई कर लिया हूँ, सारे कपड़े माशाल्लाह मुझे प्रॉपर आ गए हैं, और अब इफ्तारी का वक्त हो चुका है। इफ्तारी करके फिर बाद में मैं आपको इफ्तारी के बाद दुल्हन की ईदी भी बताऊंगा, जो हमारे ओर से सूरत गई है वो ईदी भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप लोग जो अभी देख रहे हो ये हमारी तरफ से ईदी जा रही है सूरत में दुल्हन को, और ये सब जो देते हैं खजूर काजू बादाम वगैरह 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 ये सब होता होगा, और मेन चीज़ ये है दुल्हन के ड्रेसेस, चूड़ी और चप्पल, ये सब हमारे ओर से दुल्हन को जा रहा है, और बाकी के चीज़ें जो भी इंक्लूड होती है वो सब है। ये आप लोग देख लीजिए, खास आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ने देख लिया हमारे, और हमको जो ईदी मिली थी और हमने जो ईदी भेजे थे, मैंने ये दो पार्ट में था, पहला किसी और दिन का था इफ्तारी का टाइम, और ईदी का पहले शूट किया था, तो वो इसमें ऐड करके मैंने पोस्ट कर दिया। तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना भाई, और जब से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का वेटेज जो होता है वो कम हो गया है, सब फील होता है मुझे, क्योंकि ना पहले मेरी वीडियो बहुत अच्छी रीच जाती थी, रीच डाउन हो गई है मेरी। खैर पता नहीं अभी ये रीच अपने आप बढ़ती है क्या, कैसा बढ़ती है मुझे तो आइडिया नहीं, हम तो अपना काम करेंगे वीडियोज़ डालने का, लोगों तक पहुँच रही नहीं है, मेरा नोटिफिकेशन लोगों तक पहुँच रहा नहीं, बस वही दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा देखो अभी लाइक कर दो भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ये सब करने से। तो खैर आप लोग को एडवांस में ईद मुबारक, और ईद का व्लॉग भी आएगा, जो आए हैं वो कपड़े पहन के मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक देख लिया है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहना अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय।